नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, लेकिन उससे पहले आपके लिए इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है। अगर आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और कुछ करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बढ़ते हैं हल्द्वानी की पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी में आज रोटी बैंक की टीम द्वारा हल्द्वानी स्थित डीके पार्क में होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान होली के भव्य कार्यक्रम की शुरुआत राधा कृष्ण द्वारा डांस की प्रस्तुति से की गई, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली गई और लोगों ने पानी की बचत करने के साथ पानी की होली न खेलने की अपील की। हल्द्वानी से कमर्शियल वाहनों के इंश्योरेंस के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़े का खुलासा खुद परिवहन विभाग ने किया है। परिवहन विभाग ने इंश्योरेंस के मामले में फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए 528 वाहनों को चिन्हित किया है, जो एक बड़ी बीमा कंपनी द्वारा फर्जी तरीके से बीमा करवाया गया है। बता दें कि इन कमर्शियल वाहनों को इंश्योरेंस करवाने के दौरान टू व्हीलर दर्शाकर इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंटों ने फर्जीवाड़ा का खेल किया है। काठगोदाम में कार और स्कूटी की टक्कर में एक युवक घायल हो गया। युवक के परिजनों ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक लता हरबोला की ओर से तहरीर मिली है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले उनका बेटा भानु प्रकाश और भतीजा अभिनव नैनीताल जा रहे थे। भीमताल मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में भानु गंभीर रूप से घायल हो गया। चोरगलिया पुलिस ने होमगार्ड की मौत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कहना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि 28 फरवरी को जिला कार्यक्रम में तैनात 32 साल के भास्कर नंद थुवाल की ड्यूटी से लौटते समय सूर्या देवी मंदिर के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने के बाद आरोपी चालक वाहन के साथ फरार हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने से मृत घोषित कर दिया। जल्द ही वाहन चालक की शिनाख्त कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीपल पोखरा में सड़क पर अतिक्रमण का विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मारपीट के बाद मामला थाने पहुंच गया। शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। होली से ठीक पहले गैस सिलेंडर में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की युवा इकाई के जिला अध्यक्ष सौरभ भट्ट के नेतृत्व में व्यवसायियों द्वारा होली उत्सव से पहले गैस सिलेंडर दामों में की गई बेतहाशा वृद्धि का बुद्ध पार्क हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष नवीन वर्मा ने दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को सीधे सीधे जनता के साथ धोखा बताते हुए कहा कि पहले ही कारोबारी ऑनलाइन खरीदारी जीएसटी आदि के गणित से परेशान है और अब गैस सिलेंडरों के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर सरकार छोटे कारोबारियों की कमर ही तोड़ना चाहती है। तो हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आपको भी है नो एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग और चाहते हैं डेटा साइंस में करियर शाइनिंग? तो KR Pro आपके लिए लाया है बेहतरीन वर्कशॉप। तो देर किस बात की, कर लीजिए ज्वाइनिंग। क्या आपके पास प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप चाहते हैं डेटा साइंस में अपना सुनहरा भविष्य और कमाना चाहते हैं 5 लाख से 6 लाख सालाना, वो भी अपने शुरुआती दौर में? तो KR Pro लर्निंग के साथ ZS Associates के वैष्णव मिश्रा आपके लिए लेकर आ रहे हैं 1 घंटे की बेहतरीन ऑनलाइन वर्कशॉप आने वाली 26 मार्च को शाम 3 बजे से 4 बजे तक। इसमें आपको मिलेंगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज और इस फील्ड में एक्सपर्ट से प्लेसमेंट असिस्टेंस, और इतना ही नहीं, आपको ट्रेनिंग देंगे इस फील्ड के वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। वर्कशॉप से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फॉर्म फिल करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर विजिट करें और अपने सारे डाउट्स फेस टू फेस क्लियर करें। तो आज ही अपने डेटा साइंटिस्ट बनने के सपने की तरफ बढ़ाएं एक और कदम KR Pro लर्निंग के साथ।